राजेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती कांता कर्दम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सरस्वती त्यागी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, श्री संगीत सिंह सोम जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, श्री जितेंद्र सिंह सत्वई जी, श्री सतवीर त्यागी जी, श्री दिनेश खटीक जी, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉक्टर आर के मित्तल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारत के सभी हमारे अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करते हुए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के लोकार्पण, कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही जनपद मेरठ की 325 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी हुई हमारे जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के प्रस्तावों से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं थी, उन सब का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मैं इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी ढेर सारी परियोजनाएं एक साथ यहां की लोकार्पित भी हो रही हैं, नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता के वे महान सपूत थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए और निष्ठ प्रयास करके वर्तमान भारतीय गणराज्य की स्थापना के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और ये हम सब का सौभाग्य है कि भारत माता के एक ऐसे सपूत जो एक सामान्य किसान परिवार से थे, लेकिन किसान के पुत्र को जब भी अवसर प्राप्त होगा, वह देश के हित में कैसे कार्य करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब को जो जवाब दिया था, मुझे लगता है कि यह कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र गौरव को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को दिए गए संदेश को, किए गए उनके योगदान को सदैव स्मरण करते हुए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय पुस्तकालय और कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरठ की धरती भारत के स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा की धरती रही है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की बिगुल फूंकने वाला मेरठ, देश के अंदर क्रांति का बिगुल बजाने वाला मेरठ, आज जब उसे स्वतंत्र भारत में अवसर प्राप्त हुआ, तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत की खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भी बहुत बड़ा बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल